एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपन इस पर बनाएंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर टू फिजिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं 2.1। टू चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड −3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्ज रखा है, एक 5 और एक −3, साथ में 10⁻⁸ कूलम भी है। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है? 16 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो? टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। याद करिए, एक क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल में ऐसा बनाया, सेम टू सेम फोटोकॉपी है, बनाया है ना, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार हमने वहाँ एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फटाफट डेटा बताते चलिए। देखिए, ये एक चार्ज है, और कितने का है ये बोलिए। पहला चार्ज कितना दिया है? −8 कूलम। और दूसरा चार्ज इसी के साथ हमने यहाँ जोड़ दिया, ये कितना है? −3। हाँ, इतना कूलम ना। और दिस इज़ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। क्या ये लाइन इतनी बड़ी है? आंसर है नहीं। ये कितनी बड़ी होती है दो लाइन, दो चार्ज को जोड़ने वाली? इन्फिनिटी जाती है, समझे ना ये। और इन दोनों के बीच टोटल डिस्टेंस कितना है? 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमारा गिवन डेटा है ना। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज में किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा, ठीक है। तो आप ये समझ चुके हैं एग्जांपल के क्वेश्चन को बनाने के बाद कि पोटेंशियल इधर भी ज़ीरो हो सकता है, इस लाइन में, इनके बीच में भी पोटेंशियल ज़ीरो हो सकता है कहीं भी, इसके इस पार भी पोटेंशियल ज़ीरो हो सकता है कहीं भी, है ना, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं ये सेंटर वाला पॉइंट ले लें, या उधर ले लें, या इधर ले लें, कहाँ पर ले लें? सेंटर वाला ले लें। तो हम बोल देते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल कितना हो रहा है? ज़ीरो। और इस पॉइंट का नाम मैं रख दे रहा हूँ ज़ीरो, ओ रख दे रहा हूँ, या पी रख दो, जो भी रखना है ना। सो लेट ओ बी द पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज ज़ीरो, ठीक है। ओ वो पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा ज़रूरी, हमने मान लिया निकालने के लिए, हमको तो डिस्टेंस निकालना है ना कि ए से कितनी दूर पोटेंशियल ज़ीरो होगा, और ये बी से कितनी दूर पोटेंशियल ज़ीरो होगा, या वन टू नाम लिखा है तो वन से कितना दूर, टू से कितना दूर, है ना। तो हमने ये पॉइंट कंसीडर किया कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। और किसी को ओरिजिन मानना पड़ेगा, कहीं से तो नापेंगे आप ना। तो आप चाहें तो ओरिजिन इसको मान लें, आप चाहें तो ओरिजिन इसको मान लें, आप चाहें तो ओरिजिन इसको मान लें। ये आपने पढ़ा है ना, कहाँ पढ़ा है? 11वीं कक्षा में रोटेशनल मोशन के चैप्टर में पढ़ा है आपने, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन के चैप्टर में। आप किसी को भी ओरिजिन मान के बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। लेट क्यू वन बी ओरिजिन, यानी सारे मेजरमेंट हम कहाँ से करेंगे? क्यू वन से करेंगे। तो क्यू वन से, अपने ओरिजिन से इस पॉइंट तक का कुछ ना कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं। लेट अस सपोज ये कितनी दूरी पर है ओरिजिन से, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है पोटेंशियल ज़ीरो वाला पॉइंट? x। और ओरिजिन से ये q2 चार्ज कितना दूर है? 16 सेंटीमीटर। तो आप बता सकते हैं कि q2 से ये कितनी दूरी पर होगा? हाँ, ये है पूरा 16 और ये है x, तो ये कितना हुआ बचा हुआ? हाँ, 16 − x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ले रहे हैं ना, ज़रूरत पड़ेगी मीटर में चेंज कर लेंगे, या सेंटीमीटर में ही आंसर दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना, ठीक है। तो यहाँ से Q2 से इस पॉइंट तक का लोकेशन 16 − x, और Q1 से इस पॉइंट तक का लोकेशन कितना है? x है, ठीक है। अब हमको पता है कि यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो होना है, इसका क्या मतलब है? पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला हमको क्या पता है? पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, पॉइंट चार्ज, है ना। और यहाँ पर एक चार्ज से ज़्यादा चार्जेस मौजूद हैं, तो किसी एक पॉइंट पर अगर आसपास एक से ज़्यादा चार्जेस होते हैं तो हर एक की वजह से पोटेंशियल बनता है। तो नेट पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपली उसको ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड कर देते हैं? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या डायरेक्शन मेंशन करना ज़रूरी है? नहीं। अगर डायरेक्शन मेंशन करते तो फिर एक का इधर बनता, एक का उधर बनता, प्लस माइनस, फिर उसको वेक्टर से सॉल्व करते। ये सिंपल स्केलर क्वांटिटी है, तो हम नेट पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, समझ गए ना। तो ओ पॉइंट पर पोटेंशियल ज़ीरो होना है, तो इसका क्या मतलब है?
यानी यहाँ पर जितने पोटेंशियल काम कर रहे होंगे हर एक का सम कितना होगा? हाँ, सो एट पॉइंट ओ वी वन प्लस वी टू इज इक्वल टू कितना? जीरो. वी वन यानी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नंबर वन, और इसका फॉर्मूला क्या है? के चार्ज नंबर वन डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस, और इसके डिस्टेंस का नाम क्या है? एक्स. और प्लस वी टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नंबर टू, दिस इज के चार्ज नंबर टू डिवाइडेड बाय इसके बीच का डिस्टेंस 16 माइनस एक्स. समझे ना? और दोनों का सम कितना होना है? जीरो. जो कॉमन निकलता है निकालो और सबको फेंक दो उधर. तो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं फिर रखते हैं. के को मैं के रख रहा हूँ. क्यू वन कितना? 5 × 10⁻⁸. और ये के क्यू टू कितना? माइनस थ्री. तो वो माइनस मैंने यहाँ लगा दिया. 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स, और इसके नीचे एक्स था. अब देखिए कॉमन बड़ी जल्दी निकलेगा. के भी कॉमन है और 10⁻⁸ भी कॉमन है. कॉमन निकालो, जीरो को उधर भेज दो, इक्वल के उधर. वो कट गया तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बचेगी? 5 / x माइनस 3 / 16 - x इज इक्वल टू जीरो. एलसीएम ले लें या इसको इस पार ले जाएं और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, जैसे करना है वैसे कर लें. तो हम इसको उधर ले ले रहे हैं, ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं. तो 5 × 16 16 × 5 = 80 माइनस 5 x और इज इक्वल टू 3 x. ये 5 x उधर जा कर के क्या बना? 8 x इज इक्वल टू 80. तो x इज इक्वल टू कितना? 80/8. यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया? सेंटीमीटर में चल रहे थे 10 cm. तो चार्ज नंबर वन से कितनी दूर जाकर के पोटेंशियल जीरो हो रहा है? 10 cm दूर. तो चार्ज नंबर दो से कितनी दूर जाकर पोटेंशियल जीरो होगा? 6 cm दूर. है ना? तो मुझे इसको यहाँ मेंशन करने के बजाय यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा लंबा है और ये डिस्टेंस छोटा सा. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी आप बताएं. डिस्टेंस आ गया, समझ गया कैसे निकाल रहे हैं. इतना ही पूछा है ना इसमें.